हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे लेनोवो Z6 Pro के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो हमें इसमें 6.3 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही में हमें इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। सो गाइस, बात करें इसके हार्डवेयर की, तो हमें इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सो गाइस, बात करें इसके मेन फीचर के बारे में, जिसके लिए सभी यूजर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, हमें इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं, तो दोस्तों हमें इसमें 4 कैमरास देखने को मिलेंगे। और दोस्तों 48 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, ऐसा इस कैमरा का सेटअप है। तो दोस्तों, कैमरा परफॉर्मेंस इस डिवाइस की काफ़ी बढ़िया होने वाली है दोस्तों, और कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, दोस्तों हमें इसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, पर लेनोवो ने इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा नहीं दिया है, तो वो एक कमी हो सकती है। सो गाइस, बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो हमें इसमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ ही में इसमें टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट मिलेगा और हमें इसमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों ये इंटरनेशनली 50,000 rupees की प्राइस रेंज में लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों देखते हैं कि इंडिया में इसकी प्राइसिंग क्या होती है। पर दोस्तों मुझे लगता है ऐसा कि अगर ये 30,000 से 40,000 के बीच में लॉन्च होता है, तो ये फ्लैगशिप लेवल की यूजर्स के लिए काफ़ी बढ़िया फ़ोन रहेगा, क्योंकि फिर इसे टक्कर देने के लिए काफ़ी अच्छे फ़ोन्स भी रहेंगे। पर अगर ये 50,000 के प्राइस रेंज में ही इंडिया में लॉन्च होता है, तो ये वर्थ मुझे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि लेनोवो Z6 Pro से अच्छे और कई सारे फ़ोन से जो 50,000 या 55,000 में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही आपका सपोर्ट देते रहे। थैंक यू।